हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ज्योग्राफी बुक ग्रेड 7 से। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करते हैं। पहला सेगमेंट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हिच आर द टू फैक्टर्स ऑन व्हिच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स। कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिस पर वेजिटेशन ग्रोथ निर्भर करती है? तो द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कितना तापमान है, कितनी नमी है। विच आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तीन मुख्य ब्रॉड कैटेगरीज नेचुरल वेजिटेशन की कौन सी हैं? तो नेचुरल वेजिटेशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। पहला है फॉरेस्ट, वेयर रेनफॉल एंड टेम्परेचर आर प्लेंटीफुल फॉर प्लांट ग्रोथ। जंगल जो होते हैं वहां बारिश और तापमान इतना होता है कि पेड़ आसानी से उग सकते हैं। ग्रासलैंड्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। ये ग्रासलैंड्स वहां होते हैं उन इलाकों में जहां एक नॉर्मल बारिश होती है। श्रब्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन ड्राई रीजन्स। जहां बारिश नाम मात्र होती है या बिल्कुल ना के बराबर होती है, जो सूखे इलाके होते हैं वहां पर आपको श्रब्स ज्यादा मिलेंगे। नेम द टू हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दो हार्डवुड ट्रीज बतानी है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलती हैं। तो उनके नाम हैं रोजवुड और महोगनी। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर द ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट फाउंड। अब जो ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, दुनिया के किस हिस्से में? तो ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट, ऑल्सो नोन एज द मॉनसून फॉरेस्ट, आर फाउंड इन द रीजन्स दैट एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट, जिनको कि हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये ज्यादातर उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर मौसमी तौर पे बदलाव होते हैं। इसमें जो एरियाज शामिल हैं इंक्लूड इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। इन एरियाज में आपको ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। इन विच क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सिट्रस फ्रूट्स कल्टिवेटेड। जो खट्टे होते हैं फल, उस तरीके के फल जो हैं या जूसी फल जो होते हैं, सिट्रस जो फ्रूट्स कहलाते हैं, उनके लिए ग्रोथ के लिए कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए? तो सिट्रस फ्रूट्स आर ग्रोन इन रीजन्स मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं ये उन इलाकों में होते हैं जहाँ गर्मी होती है, सूखा मौसम होता है, जैसे काफी अधिक गर्मी है, हवा में बिल्कुल भी नमी नहीं है और बहुत ही हल्की बारिश होती है। These citrus fruits involves orange, figs, olives and grapes. Mention the use of coniferous forest. अब coniferous forest का क्या इस्तेमाल होता है? The soft wood, evergreen trees that grow on the coniferous forest are used for making matchbox and packing boxes. ये जो सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज होती हैं, ये ज्यादातर कॉनिफेरस फॉरेस्ट में मिलेंगी और इनका इस्तेमाल जो माचिस की तिलियां होती हैं उनको बनाने में, या जो पैकिंग के बॉक्सेस होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग पल्प व्हिच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पेपर एंड न्यूज़प्रिंट। इसका जो इस्तेमाल है वो पल्प बनाने के लिए भी किया जाता है, जिससे फिर जो है पेपर बनता है या न्यूज़प्रिंट के लिए। इन विच अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द सीजनल ग्रास प्लांट फाउंड। अब सीजनल ग्रासलैंड आपको कहाँ मिलेंगे? सीजनल ग्रासलैंड कैन बी फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो सीजनल ग्रासलैंड आपको मिड लैटिट्यूडनल जोन पे मिलेंगे या फिर जो कॉन्टिनेंट के अंदरूनी हिस्से है वहां। टेक द करेक्ट आंसर। मोसेस एंड लेचेंस आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या टंड्रा वेजिटेशन। तो करेक्ट आंसर है टंड्रा वेजिटेशन। Thorny bushes are found in hot and dry desert climate mein. In tropical evergreen forest, one of the common animal is monkey. One important variety of coniferous forest is pine. Or last is steppe grassland is found in Central Asia. Match the following hai. Walrus, ye ek polar animal hai. Cedar, softwood tree hai. Olives, citrus fruit hai. Elephants, an animal of tropical deciduous forest. Campos, ये tropical grassland है ब्राजील के. Downs, temperate grassland in Australia. Give reasons. The animal in the polar region have thick fur and thick skin. जो जानवर polar इलाके में पाए जाते हैं उनके जो fur होती है वो काफी मोटी होती है और skin भी काफी मोटी होती है, क्यों?
Animals in the polar region have thick fur and skin so as to protect themselves from the cold climatic conditions. जिस तरह की ठंडक भरा मौसम होता है वहाँ की जो वेदर होती है उसके हिसाब से अपने को बचाने के लिए सुरक्षित रखने के लिए उन जानवरों की खाल काफी मोटी या फर बहुत थिक होती है. This region has limited natural vegetation due to its cold climate. क्योंकि हर वक्त जैसे वहाँ पर इलाकों में बर्फ पड़ी रहती है तो इस वजह से जो natural vegetation है वो बहुत कम उगता है. Tropical deciduous trees shed their leaves in the dry season. जो ट्रॉपिकल deciduous trees हैं उनकी पत्तियाँ dry season में झड़ जाती हैं. Tropical deciduous forests are found in large parts of India, northern part of Australia and America. ये जो जंगल हैं ये आपको इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में मिल जाएंगे. सच एरियाज एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस एंड हेंस ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू सेव वाटर. ऐसे इलाकों में जो है सीजनल तौर पे बदलाव होते हैं तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज जो होती है वो अपनी पत्तियां झड़ जाती हैं उनकी ड्राई सीजन में ताकि पानी को बचा सकें. द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जिस तरह की वेजिटेशन होती है, जिस तरह से वेजिटेशन की थिकनेस होती है वो प्लेस टू प्लेस बदलती रहती है. क्यों? द टाइप एंड द थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, लैंड फॉर्म, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. ये सब कारण है जिसकी वजह से जो थिकनेस है या टाइप है वेजिटेशन की वो बदलती रहती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो अलग अलग तरह की वेजिटेशन पे सर्वाइव कर सकते हैं. अब है एक्टिविटी. कलेक्ट पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स जंगल की और ग्रासलैंड्स की जो अलग अलग दुनिया के हिस्सों में पाए जाते हैं उनकी आपको इकट्ठी करनी है. राइट वन सेंटेंस बिलो ईच पिक्चर और हर एक पिक्चर के नीचे उसके बारे में आपको कुछ लिखना है. तो सबसे पहले करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. These forests are found in the regions near the equator and close to the tropics. ये जो इलाके हैं या जो जंगल हैं ये इक्वेटर के पास या ट्रॉपिक्स के बिल्कुल करीब होते हैं. These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. ये इलाके बहुत गर्म होते हैं और पूरे सालों साल यहाँ बारिश होती है. The trees do not shed their leaves altogether. तो कहना चाहिए सारी पत्तियाँ जो पेड़ों की होती हैं एक बार में नहीं झड़ जाती हैं. फिर दूसरे होते हैं ट्रॉपिकल deciduous forest. These forests are the monsoon forests found in the large part of India, northern Australia and in central America. तो ये जो जंगल हैं ये आपको मानसून फॉरेस्ट होते हैं. मौसम के अनुसार इनका बदलता रहता है और ज़्यादातर इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं. ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. जिस टाइम पे बारिश नहीं होती है, मौसम सूखा होता है, तब ये जो पेड़ हैं ये अपनी पत्तियाँ इनकी झड़ जाती हैं. फिर आते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पे. These forests are commonly found along the eastern margin of the continent. ये आपको eastern margin पे मिलेंगे जो continent है उसके and comprise both hard and the softwood trees. यहाँ पर दोनों ही तरीके के पेड़ होंगे, hardwood trees भी होंगी, softwood trees भी होंगी, जैसे oak, pine सब मिलेंगे आप. Grasslands, grassland area in which the vegetation is dominated by the nearly continuous cover of grasses. Grasslands वो इलाके हैं जहाँ vegetation mostly ऐसा लगता है जैसे पूरा घास ही घास का जो है आपको एक लैंड दिख रहा है, कंटिन्यूस कवर दिख रहा है. ग्रासलैंड अकर्स इन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू द ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट कवर बट नॉट दैट ऑफ टॉलर प्लांट्स एंड पर्टिकुलरली ट्रीज एंड श्रब्स. ग्रासलैंड उस मौसम में या उस वातावरण में होते हैं जिसमें एक प्लांट की ग्रोथ जो है वो सिर्फ एक ग्रासलैंड के बराबर तक की होती है या ग्रास तक की होती है. वो ऊंचे ऊंचे पेड़ नहीं बनते, खासतौर से ट्रीज श्रब्स नहीं बन पाते. दूसरा क्वेश्चन है मेक अ कोलाज ऑफ द रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट. अब ये आपको जो है एक्टिविटी खुद करनी है. इसमें आपको पिक्चर्स इकट्ठी करनी है और उनका एक कोलाज बनाना है. फॉर फन इन द क्रॉसवर्ड टेबल गिवन बिलो सम वर्ड्स आर हिडन. दे आर अबाउट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड आर टू बी फाउंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. टू हैव बीन वर्कड आउट फॉर यू, वर्क इन पेयर्स विद अ फ्रेंड. ये भी अगेन एक्टिविटी आपको जो है इसमें से सर्च करने हैं जो वेजिटेशन है या जो एनिमल्स हैं वाइल्ड लाइफ उनके बारे में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. कुछ हमने ढूंढ दिए हैं, बाकी आप जो है और ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें और भी बहुत सारे वेजिटेशन और एनिमल्स मिल जाएंगे. तो ये थी आपके चैप्टर की एक्सरसाइज. आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन. बाय.